आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल शिवरात्रि है तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम लेके आए हैं व्रत की स्पेशल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बर्फी की रेसिपी। ये सिर्फ हम 2 चीज़ों से और 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे और कोई भी मेहनत नहीं है इसे, बहुत ही झटपट से। तो ये आधा किलो मूंगफली ले ली है हमने और मूंगफली को हम इस तरीके से रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट। ना हमें इसमें घी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही मावे की। बिना मावा बिना घी के इतनी टेस्टी और यमी मुंह में घुल जाने वाली बर्फी बना के तैयार करेंगे। इन सारी मूंगफलियों को हमने भून लिया है मीडियम फ्लेम पे, हमें हाई फ्लेम पे नहीं भुनना है, नहीं तो हमारी मूंगफली ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब अच्छे से भून ली थी, ये ठंडी हो गई। अब इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हम इसका छिलका निकाल देंगे। देखिए हमने सारा छिलका निकाल दिया है। इस तरीके से छिलका निकलने के बाद हमने इसे फटक लिया था, अभी एक हाथ रह गया है, वो भी अच्छे से निकाल देंगे। और अगर एक हाथ रह जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो इस कोई किसी भी व्रत में या कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस बर्फी को हम झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमने सारी मूंगफलियों को अच्छे से साफ कर लिया था एकदम फटक कर, और पूरे छिलके निकाल दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से, और बहुत ही इजीली ये निकल के जाते हैं। और अब हमने मिक्सी के जार में सारी मूंगफली ट्रांसफर कर ली है और इसे थोड़ा दरदरा पीस के तैयार करेंगे। थोड़ा सा दरदरा, एकदम फाइन नहीं पीसेंगे, नहीं तो एकदम पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमने इसे पीस लिया है। अब इसकी चाशनी बनाएंगे। तो एक मूंगफली हो गई और दूसरा चीनी। अब इसमें हमने 1 कटोरी चीनी डाल दी है, 1 ग्राम में 300 ग्राम थी। और इसमें 5 चम्मच हमने पानी डाला है, जो हम खाना खाते हैं वो वाली चम्मच, और कटोरी है जो 1/4 कटोरी से भी बहुत कम पानी है। बस इतना डालना है कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो हमने इस उधर चीनी बनने रख दी थी, तब तक हम एक तैयारी और कर ले। थोड़ा सा घी लेके हम एक थाली को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, जिसमें हम अपने बर्फी का मिश्रण डालेंगे। हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें चारों तरफ से अच्छा से घी लगाया है, और ये अच्छी तरीके से हम इसे एकदम ग्रीस करके रख लेंगे। अब हम अपनी चाशनी को देखते हैं। तो अभी देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमारी चाशनी जल्दी से कड़क हो जाएगी और अच्छे से वो मेल्ट भी नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी चाशनी बन के तैयार है कि नहीं। तो स्पैचुला पे थोड़ी सी चाशनी ली थी, उसे थोड़ा ठंडा होने के बाद दोनों उंगलियों के बीच में रख के इस तरीके से हम तार बना के देखेंगे कि हमारी चाशनी बन के तैयार। अच्छे से तार बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे एक तार की चाशनी, मोटा सा तार बन रहा है, हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। तो हमारी चाशनी बन के तैयार है। अब जो हमने मूंगफली को ग्राइंड करके रखा था उसको हम इस मिश्रण में डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। इसे अगर आप बनाओगे तो काजू कतली खाना भूल जाओगे। इस तरीके से हमने इसमें सारे जो मूंगफली पीस के रखी थी वो डाल दिए हैं, और अब गैस का फ्लेम एकदम कम कर दिया है एकदम। हम अगर मीडियम या हाई रखेंगे तो हमारी चाशनी टाइट हो जाएगी। बस हम मिक्स करेंगे और इस तरीके से चलाते जाएंगे जब तक ये सारा मिश्रण पूरी कढ़ाई नहीं छोड़ देता है, तब तक चलाएंगे। और गैस का फ्लेम अब तक हमने सिम रखा था, मैंने नीचे उतार लिया कढ़ाई और फिर इसे नीचे रख के भी 2 से 3 मिनट तक चलाया। अब देखिए सारा मिश्रण एक जगह इकट्ठा, हमें इसी तरीके से एकदम इकट्ठा करना है। अब हमारी बर्फी बिल्कुल अच्छे से जम जाएंगी, ये एक जैसा हो जाए तो समझो हमारी बर्फी जमने के लिए तैयार है। एक जगह पूरी कढ़ाई छोड़ दे हमारा मिश्रण था। अब हम उसी कढ़ाई को जो हमने ग्रीस करके रखी थी वो ले लिया और पूरा मिश्रण उस कढ़ाई में डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से हम सेट करेंगे स्पैचुला से। हमने सारा मिश्रण डाल लिया है, अब सेट करेंगे। और ये बर्फी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी यमी बनती है, इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी बर्फी बनती है। अब देखिए मैं किस तरीके से इस स्पैचुला से इसे पूरी थाली में फैला रही हूँ, और ये अभी 25 से 30 मिनट में जम के तैयार हो जाएंगे। और मैं चम्मच से इसे एक जैसा कर लेती हूँ और एकदम स्मूथ बना लेते हैं। अब ये आधा घंटा हो गया है, देखिए फ्रेंड्स आधे घंटे के लिए हमने रख दिया था, ये अच्छे से जमने के लिए तैयार थी और बहुत जल्दी जम के तैयार भी हो गई हैं। अब हम इसे कट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से हमारी बर्फी बन के तैयार हैं,
और मैं इसमें नाइफ से इस तरीके से कट लगा रही हूँ और बहुत ही आसानी से कट पा रही है, एकदम सॉफ्ट, मुंह में मेल्ट हो जाने वाली भी बर्फी बन के तैयार है। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाह वाह। और ये मुंह में घुल जाने